हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 2x-1=14-x। तो पहले एक्स एक्स एक साइड कर लेते हैं। ये 2x, ये माइनस का x है, इधर आके प्लस का x हो जाएगा। इक्वल टू ये 14 हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 2x प्लस यानी 3x इक्वल टू 15। ये 14 प्लस 1, फिर x इज इक्वल टू 15 अपॉन 3। तो ये कट गया, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई 3 5, जहाँ में कटेगा ना 15। अब चेक कर लेते हैं LHS इक्वल टू ये 2x-1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए। तो अब 2, ये x की जगह 5 पुट कर लेते हैं, माइनस 1। तो 5 2 10, माइनस 1, ये आपका आ जाएगा 9। ठीक है, अब RHS देखिए। RHS 14-x, तो ये 14 हो गया, माइनस 5 हो गया x की जगह। तो 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। तो देखिए आप लेफ्ट हैंड LHS इज इक्वल टू RHS, 9 9 आया ना, तो आपका ये क्वेश्चन यानी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 8x+4=3 (x-1+7). तो ये x है, ये 8x, ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू ये 3 इंटू एक्स 3x, 3 बन जा 3 यानी -3, ये प्लस 7। ठीक है, ये इसको ब्रैकेट में कर लीजिए आप। फिर 8x इधर ला लीजिए आप, ये -3x, ठीक है, प्लस में था इधर आके माइनस में आ गया, इक्वल टू ये 3, ये 3 हो गया आपका -3, इधर ये प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में कर लीजिए, प्लस 7। तो 8 में से 3 गया, तो 5x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी 7, ये माइनस का साइन, ये प्लस 7। अब 5x प्लस माइनस कट गया, ठीक है, ये 0 आ गया। तो x इज इक्वल टू 0/5, तो इसका आंसर आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं, चेक LHS 8x+4, 8x की जगह 0+4, तो 8 0 जा 0 हो गया, प्लस 4, ये 4 आ गया। अब RHS इक्वल टू 3, ये x की जगह 0-1 प्लस 7, तो 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, ठीक है, प्लस 7। तो अब 0 तो कोई वैल्यू नहीं है इसकी, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 4। ठीक है, प्लस का साइन बड़ा है इसलिए हम प्लस का यूज नहीं करेंगे। तो LHS इक्वल टू RHS। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x इक्वल टू 4/5 (x+10). तो पहले x इक्वल टू 4/5 से इसका इंटू करेंगे, ठीक है, x का, तो ये x हो गया प्लस, अब 4/5 को 10 से करेंगे, ठीक है, इंटू 4/5 × 10, ठीक है। तो ये देखिए कट गया, 5 2 जा, तो यहाँ पे आ गया 8। x इक्वल टू 4/5 x प्लस 4 2 जा 8। अब x इक्वल टू 4/5 x, अब इसको हम इक्वल टू में कर लेंगे, ठीक है, इक्वल टू 8। अब इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, ठीक है, एलसीएम लेंगे ना हम लोग, सॉरी यहाँ पे ये ना माइनस का साइन होगा, ठीक है, माइनस का साइन होगा। तो 5 ये हो गया, अब 1 5 यानी 5x-5 5 4x
इक्वल टू 8, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो x आ गया इक्वल टू, अभी 8 है इधर है, इधर आके 5 इन 2 में हो जाएगा, ठीक है। तो x किया गया 8, 5 जा 40, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, चेक LHS, LHS क्या था आपका, x ही था, तो x का आप जानते हैं वैल्यू 40 आया है। अब RHS देख लीजिए, RHS 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10, तो 4/5 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 14 प्लस 10, ठीक है। तो ये देखिए ये कट गया, 5/8 जा, और इसमें सॉरी ये एक सेकेंड, ये आपका रॉन्ग हो गया। तो ये 4/5 इंटू, इससे इंटू होगा फिर इससे इंटू होगा, ठीक है, ये 40 प्लस ये 4/5 इंटू 10, ये 2 जामे, ये 1 जामे, ये 5/8 जामे, 1 जामे, ठीक है। ये कट गया, 8/4 जा 32, इसमें क्या बचा था, 4/2 जा 8, 32 प्लस 8 40। तो देखिए आपका LHS भी 40 आया, RHS भी, यानी ये इक्वेशन आपका सही है। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।